सन 1977 में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य खिलाड़ी केरी पैकर की विद्रोही वर्ल्ड सीरीज से जुड़ गए थे और इसलिए उन्हें टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। नतीजा, टीम सारे नए खिलाड़ियों से भरी थी। सुनील गावस्कर को खेलते हुए 6 साल हो चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला था। अब इंटरनेट जैसी चीज का आविष्कार तो हुआ नहीं था, जानकारी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। ऑस्ट्रेलिया में खेल की परिस्थितियां क्या हैं, उनके बल्लेबाजों या गेंदबाजों के खेलने का स्टाइल क्या है, उनकी खूबियां या खामियां क्या हैं, ये सब जानना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में सुनील गावस्कर ने बंबई के मरीन स्पोर्ट्स नाम के बुक स्टोर का सहारा लिया। दुकान के मालिक ने गावस्कर के लिए विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ईयर बुक मंगवाई और ये किताब बाकायदा हवाई जहाज में स्पेशल डिलीवरी से बंबई पहुंची और उन्होंने गावस्कर को ये किताब भेंट की। उस श्रृंखला में गावस्कर ने 3 शतक समेत 450 रन बनाए। यकीनन उनका अच्छा प्रदर्शन उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का नतीजा था, लेकिन फिर भी हमें उस छोटे से बुक स्टोर के इस छोटे से योगदान का जिक्र भूलना नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह। भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों से कुछ और सुनी अनसुनी कहानियां लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। स्वागत है आपका मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे हीरो आए हैं जिन्होंने अपनी बैटिंग या बॉलिंग के दम पर मैच जिताए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनमें से कई को हमने कभी देखा ही नहीं और जिनके कारनामों की सराहना बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट के नाम कर दी, जिनके प्रयासों से क्रिकेट आज हम सबका पसंदीदा खेल है। लेखक और पत्रकार, कमेंटेटर्स, स्कोरर्स और स्टैटिस्टिशियंस, फिजियोज एवं ट्रेनर्स, अंपायर्स और कोचेस, हमारे टीवी स्क्रीन्स तक मैच पहुंचाने वाले वो सारे तकनीकी कर्मी और वो वफादार क्रिकेट प्रेमी जो अपने शरीर को रंग के तिरंगा लहराते हुए हर मैच में एक नया उत्साह लेकर आते हैं, ये वो हीरोज हैं जो रहते हैं बियॉन्ड द बाउंड्री। उस दिन एक ऐसा बीज बोया गया जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बना, जिसकी छांव को आज करोड़ों लोग महसूस करते हैं। ये भारतीय क्रिकेट का पहला सुनहरा दिन था। सीके नायडू के प्रदर्शन से प्राधिकारियों को लगा कि हमारा देश अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल करने लायक हो गया है। नायडू मैदान पर इतिहास रच रहे थे, लेकिन फील्ड के बाहर भी एक सज्जन थे जो इस दिन को ऐतिहासिक बनाने में लगे थे। उनका नाम था AFS तलियार खान, भारत के पहले रेडियो कमेंटेटर। तब का ट्रांजिस्टर में ये मैच रिलेड हुआ तो इतनी जनता आ गई, कोई छत पे बैठा, कोई झाड़ पे, पेड़ों पे बैठ के देखने लगे। द वे बॉम्बे रिएक्टेड टू दैट 100, इफ यू लिसन टू द ऑडियो कमेंट्रीज, तलियार खान वाज कमेंटेटिंग फ्रॉम द पेंटागुलर इन 34, बट रेडियो ब्रॉडकास्ट, दोज केबल काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट व्हिच वर स्प्रेड, जो आर्थर गिलिगन के टूर के सामने से होता था, इट वाज फिनोमिनल। AFS तलियार खान, बॉबी तलियार खान ने सीके के करतबों का ऐसा शानदार विवरण किया कि उनकी कमेंट्री सुनकर लोग मैच देखने भारी संख्या में ग्राउंड पर आ पहुंचे। दर्शकों की भीड़ ने एक भारतवासी के हाथों हुई अंग्रेजी गेंदबाजों की धुलाई का खूब आनंद उठाया। तलियार खान ने अगले कई वर्षों तक
बॉम्बे में हर मैच का आंखों देखा हाल रेडियो पर सुनाया। हालांकि वो अंग्रेजी में विवरण करते थे, उन्हें क्रिकेट प्रेमियों के दिल तक आवाज पहुंचाना बखूबी आता था। Every action of the bowler, fieldsman, batsman, umpires, everything was described. Whatever happens on the field of play was described to the listeners as if listeners have not seen the match. So described and paint before them the entire picture of the match. One could say that technical knowledge he may not compete with other cricketers, but for sure language and making his commentaries interesting from the general point of view, I think he was very outstanding. He was blunt, forthright, and without being bothered by about anybody, he used to give his own opinions. In 1960, जब बम्बई में ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, तो अब्बास अली बेग ने 50 रन बनाए। 50 रन बनाने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आई और उन्होंने उनका किस लिया। विजय मर्चेंट वॉज इन द कॉमेंट्री बॉक्स, तो विजय मर्चेंट ने ऐसा कहा कि वेयर वेयर ऑल दोज गर्ल्स व्हेन आई वॉज मेकिंग ऑल माई रन्स, ऐसा उनके बारे में कहा। तो लेकिन उसका जवाब नेक्स्ट डे तल्यार खान ने दिया, आई नो वेयर दे वेयर ऑल स्लीपिंग व्हेन विजय वॉज मेकिंग ऑल हिज रन्स। तो ऐसा इस तरह की बातें उस वक्त उस जमाने में चलती थी। कमेंट्री के अलावा बॉबी तल्यार खान अखबारों में लेख भी लिखते थे और क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर लोगों की राय बनाने में मदद करते थे। उनके अपने फैंस भी थे, शायद वैसे ही जैसे आज हर्षा भोगले के ट्विटर फॉलोअर्स कई क्रिकेट स्टार्स से भी ज्यादा हैं। तल्यार खान की कमेंट्री की एक खास बात थी कि वो हमेशा माइक अकेले ही संभालते थे, मैच के शुरू से लेकर मैच के अंत तक। He never used to like anybody sitting by his side. He used to do the commentary pentangulars by himself, right from 10 to 5 or 9:30 to 4:30. He used to do the commentary single-handed. Later on, when All India Radio had the policy that there would be more than one commentator, well, he refused. He said he would like that arrangement. He wanted to have the mic all to himself. कई दशकों तक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैच से जुड़े रहने का इकलौता साधन रेडियो था। बॉबी तल्यार खान के बाद आए कमेंटेटर्स भी खेल के अच्छे जानकार थे। उनके काव्यगत अंदाज की वजह से स्टेडियम में चल रहे मैच के दृश्य घर बैठे श्रोताओं के मन में बैठ जाते थे। 1960 और 70 के दशक में घरेलू मैच हम ऑल इंडिया रेडियो पर सुनते थे और विदेश में चल रहे मैच का भी आनंद हम शॉर्टवेव पर उठा सकते थे। दूसरी कामयाबी तो कमेंट्री सुनते थे उन दिनों में हम रेडियो पे, सो दैट इज समथिंग व्हिच स्पार्क्ड अ लॉट ऑफ क्रिकेटिंग इंटरेस्ट। रेडियो कमेंट्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और मैंने मुद्रिका ली थी। मुद्रिका दिल्ली में एक ऐसी बस होती है जहाँ जो पूरी रिंग रोड पे चलती है, माल रोड से मैंने मुद्रिका ली थी। मेरे पास ट्रांजिस्टर रेडियो नहीं था, पर इससे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि बस भरी पड़ी थी लोगों की जिनके पास ट्रांजिस्टर रेडियो थे, और हम सुनते सुनते गए, सुनते सुनते उतरे, और बस छोड़ने के बाद भी कोई ना कोई तो मिल ही गया जो सुन रहा था। एक तरह से जुनून सा हुआ करता था। विजय मर्चेंट जो शुरुआती दिनों में
हमारे सबसे महान बल्लेबाज माने जाते थे, 60 के दशक में उन्होंने भी कमेंट्री में हाथ आजमाया। वो एक ततापी परिवार से थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, उनकी राय और विश्लेषण के लिए भी उन्हें बुलाया जाता था। After all these years, I as your partner on the cricket field and at the crease would like to know why you insisted on playing that kind of cricket which was all aggression and no steady play. Could you tell us? Now, Vijay bhai, that is that kind of cricket was in my blood. 70 और 80 के दशक में क्रिकेट विद विजय मर्चेंट ऑल इंडिया रेडियो पर रविवार दोपहर प्रसारित हुआ करता था और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम था। इस दौर में क्रिकेट मैचों का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण भी शुरू हुआ, लेकिन भारत के सारे मैचेस सब देशों में नहीं दिखाए जाते थे। यूएसए या कनाडा जैसे देशों में बसे भारतीय लोग क्रिकेट से जुड़ी जानकारी और संचार के लिए एक नए साधन की तरफ मुड़े, इंटरनेट। इस न्यू मीडिया में क्रिकेट कवरेज और कमेंट्री अब नए अवतार में पेश की गई। आज टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल से कहीं ज्यादा क्रिकेट से संबंधित वेबसाइट्स हैं जो दुनिया भर में बसे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। और कई मानों में इन सब का मार्गदर्शक रहा है 1993 में स्थापित क्रिक इन्फो। The whole premise of Cricket Info was based on scores. It's now 22 years old. When it was set up as a way for college students, Indian expat students in the US to get access to scores. At that time, college students in the US were one of the few, you know, groups to have computers. I think our most important function today is still providing scores across the world, whether it's a test match or a one-day match or a first-class match, or, you know, whether it's Papua New Guinea playing, people still come to Cricket Info mainly for the scores. Cricket Info ne internet par match coverage ki pehel ki. Scorecards, comparison tables, infographs. Match ki coverage aaj bilkul sateek aur vistrit roop se ki jati hai aur duniya bhar mein ek saath khele ja rahe alag alag matchon ke har ek ball ka byora diya jata hai. If you look at it as watching the game, enjoying the game, and then typing it out to people, I mean, you know there are some people at the other end waiting to see what's being typed out. So that feeling keeps you going. We look at it as our service to the game. The reader in Nepal or the reader in Fiji or the reader in Uganda, their team is playing. It may be playing one match a year, but that match to him is as important as an India match is to a reader in India. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों में एक जुनून, एक सनक होता है। इसी वजह से लाखों लोग किसी न किसी तरह खेल की सेवा में अपना योगदान देने में लगे हैं। खिलाड़ी तो सबसे बड़े क्रिकेट प्रेमी होते हैं और 15-20 साल भारत के लिए खेलने के बाद भी वो जरूर क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर होने के बाद सभी खिलाड़ी नया व्यवसाय ढूंढते हैं। उनकी उम्र 35-40 से ज्यादा नहीं होती, अभी कई साल तक वो सक्रिय रूप से काम करने की क्षमता रखते हैं। पहले के जमाने में इतने मौके नहीं होते थे, क्रिकेट उस वक्त एक एमेच्योर खेल था। खिलाड़ी कहीं और नौकरी किया करते थे और रिटायर होने के बाद वही नौकरी उनकी जारी रहती थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हुआ करते थे वो अपने तजुर्बे और कौशल का उपयोग उभरते युवा क्रिकेटर्स को कोच करने के लिए लगाने लगे। वो स्कूल या कॉलेज में कोच की हैसियत से नियुक्त किए जाते थे या किसी प्राइवेट टीम में। बंबई में विनू मनकड़ या बड़ौदा में विजय हजारे जैसे लोगों ने होनहार क्रिकेटर्स को भारतीय टीम के काबिल बनाया। जैसे जैसे क्रिकेट देश भर में बढ़ा और फैला, कई नामी खिलाड़ियों ने कोचिंग अकेडमीज भी अलग अलग जगह शुरू की। लेकिन ये कोचिंग निजी तौर पर ही की जा रही थी। शुरुआती दौर में भारतीय टीम का कोई कोच नहीं होता था। माना जाता था कि कोचिंग कम उम्र में ही हो जानी चाहिए। भारतीय टीम के साथ एक अधिकारी जरूर रहते थे, टीम के मैनेजर। और चाहे भारत में खेल रहे हो या विदेश में,
क्रिकेट के अलावा जो भी मामले हों उन्हें संभालने की जिम्मेदारी उन पर होती थी, ताकि खिलाड़ियों पर किसी तरह का बोझ न पड़े। यात्रा और आवास से जुड़ी बुकिंग्स, पैसों का लेन देन, राजनीतिक संबंध, ज्यादातर इन सब मामलों के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। लेकिन गिने चुने अवसर पर यह जिम्मेदारी किसी भूतपूर्व खिलाड़ी को भी दी गई। 1954 में हुए हमारे पहले पाकिस्तानी दौरे पर लाला अमरनाथ टीम के मैनेजर थे। वो लाहौर में ही पले बढ़े थे और हाल ही में रिटायर हुए थे, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ उनकी दोस्ती थी। 60 के दशक में भूतपूर्व कप्तान गुलाम अहमद ने दो विदेशी दौरों पर मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली। 1962 में वेस्टइंडीज में जब नरी कॉन्ट्रैक्टर चोट से ग्रस्त हुए और कोमा में चले गए, तो उनकी जान बचाने में गुलाम अहमद का महत्वपूर्ण योगदान था। The real credit for saving my life goes to Ghulam Ahmed. Ghulam by chance came just to see me in the hospital and he has realized that my whole left side is paralyzed. I'm vomiting. So he phoned up Dr. Leacock. So then he came and then operated me for the final thing. '71 and '74 में एक और भूतपूर्व कप्तान हेमू अधिकारी भारतीय टीम के मैनेजर थे। कर्नल अधिकारी लव्ड हिज पीनट्स। दिस वाज अ फंक्शन एट बकिंगहम पैलेस। ही लव्ड हिज पीनट्स सो मच कि दोनों हाथ में मुट्ठा मार के खाता था। यानी ही टू फ्लिक हिम ऑफ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। एक गिर भी गया था, बैक फ्लिप बैक इन द माउथ। ही हैड जस्ट टेकन टू फ्रेश हैंडफुल्स लाइक ओजिंग आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड द डोर ओपनड एंड द क्वीन वाज अनाउंस्ड। फ्लश रेड कार्पेट देयर। हेलो कर्नल, द क्वीन पुट हर हैंड आउट। कर्नल जो वांदा यार, पीनट्स इन बोथ हैंड्स। लकली हिज प्रेजेंस टू माय नमस्ते सेव्ड हिम। एज इट डिड दैट, थराथर द पीनट्स वर गोइंग ऑन द फ्लोर इनटू द क्वींस शूज एंड ऑल दैट। वी नेवर स्टॉप लाफिंग। पॉली उमरिगर ने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज तथा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के मैनेजरी की जिम्मेदारी संभाली। 1980 के दशक में दो और कप्तान एस वेंकट राघवन और चंदू बोर्डे भी भारतीय टीम के मैनेजर बने। ये सब दिग्गज खिलाड़ी रह चुके थे, इसलिए मैनेजर की जिम्मेदारी के अलावा व्यक्तिगत तौर पर वो नेट सेशंस में भी शामिल होते थे, खिलाड़ियों की मदद करते थे। इसके अलावा उन दिनों श्रृंखला के पहले भी और दौरान भी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते थे, अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ बांटते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले बढ़ने लगे, दबाव अधिक होने लगे, खिलाड़ियों के बीच आपस में इंटरेक्शन काफी कम हो गया। जितना टाइम आप वक्त आपको देना पड़े क्रिकेट के लिए, बच्चों के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए, डिटेक्शन करेक्शन, ये है वो है, ये बाकी चीज में आपका टाइम काफी चले जाता है। बस आए कि नहीं, अलाउंस दिया कि नहीं, लॉन्ड्री का क्या हुआ, खाने का क्या, ब्रेकफास्ट का क्या, कोई बोलता है इडली चाहिए, बोलता है मेरे को फ्राइड एग्स चाहिए, कोई बोलता मेरे को वेजिटेरियन पौवा चाहिए। ऑल दीज थिंग्स यू नो टेक्स लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम ले लेते। तो मैनेजर अलग से हो, वो अपना ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ध्यान रखे, और क्रिकेट का ध्यान रखने के लिए एक कोच अलग से हो तो काफ़ी फर्क पड़ता है। 1990 में पहली बार BCCI ने एक फुल टाइम कोच नियुक्त किया, और ये शख्स भी हमारे कप्तान रह चुके थे और काफी हद तक क्रिकेट की सेवा में खुद को समर्पित कर चुके थे, बिशन सिंह बेदी। बॉयज, यू विल बी सरप्राइज हाउ मच अ ह्यूमन बॉडी कैन टेक। ये इनका ओपनिंग स्टेटमेंट था। सो ही वाज अ गाय, उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरी ये थी कि इफ यू वांट सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड। He tried to bring a lot of fitness, a lot of discipline, but he was a fun man, you know. I really enjoyed, you know, talking to him about cricket, and he had passion. Bedi ne training ke liye vaigyanik tareeke apnane ki koshish ki, lekin achanak aayi ye tabdili khiladiyon ko kuch khas raas nahi aayi. Bedi unke beech apne liye jagah nahi bana paaye. हमको स्प्रिंट करने को बोला उन्होंने, और फिर दे वांटेड टू सी हाउ मच
व्हाट इज लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड, उनको कंटेंट देखना था हमारे इसमें, तो कान में ऐसा कुछ पिंच करके ब्लड निकालते थे इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंटिंग. हमारे लिए थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, इट वाज इट यूज्ड टू हर्ट. एंड सचिन का वो आ ही नहीं रहा था, समहाउ दे वर नॉट एबल टू गेट इट. एंड आई हैव नेवर सीन सचिन लूज हिज कूल, यू नो, वो बहुत गार्डेड होता है, बट दैट टाइम ही वॉज रियली अपसेट क्योंकि वो पिंच कर रहे, खींच रहे, उनको खुद ठीक तरह से जैसे चाहिए उनको मिल नहीं रहा था. इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. एंड राइट एट द एंड आई नेवर फॉरगेट दिस कि उन्होंने एक कोल्ड एसी रूम में लेके गए, बोले कि चलो अभी थोड़ा सा योगा करते हैं टू कूल डाउन. एंड सब थोड़ा स्ट्रेचिंग विचिंग कराए उन्होंने, और लास्ट में शवासन करके सब सो जाओ करके, एंड मोस्ट ऑफ द एक्चुअली वेंट ऑफ टू स्लीप. सपोजिंग फिटनेस रूटीन जो है वो बोरिंग है, बिकमिंग मोनोटोनस, तो फिर व्हाट प्राइस प्रोफेशनलिज्म? अपने आप को अगर पेशावर खिलाड़ी कहते हो आप, यू कैन बी, इफ यू आर प्रोफेशनल यू कैन बी बोर्ड विद व्हाट यू डूइंग, कैन यू? विशन सिंह बेदी के ऊपर एक बुक लिखनी चाहिए ऑन दैट पर्टिकुलर, एक दो साल जब इंडियन टीम के कोच थे, उनके कोच की बुक हो जाएगी. आई मीन जस्ट इमेजिन आज की तारीख में इफ अ कोच सेज कि दिस टीम शुड बी ड्रॉप्ड इन द पैसिफिक ओशन, क्या होगा? वैसे कमेंट्स उन्होंने किए हैं. एक बार लॉर्ड्स में जब इंडिया ने टॉस जीत के फील्डिंग की, तो ही वॉज आस्क्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाई डिड यू चूज टू फील्ड, ही आस्क्ड द कैप्टन, डोंट आस्क मी, ऐसे करके वो जवाब देते थे. उनके तरीके थे, अलग से तरीके थे कराने के. किसी को सूट हुए, किसी को नहीं सूट होते, यू नो, समबडी इज इन चार्ज ऑफ इट, ही हैज गॉट डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, एंड यू हैव टू फॉलो हिम आल्सो. भारतीय टीम के लिए एक अलग कोच और मैनेजर रखने का प्रयोग पहली बार में सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर कोच का कार्यभार संभाला एक अत्यधिक सफल भूतपूर्व कप्तान ने, और 1990 के दशक में उन्होंने भारतीय क्रिकेट की किस्मत काफी हद तक बदल डाली. बतौर कप्तान अजीत वाडेकर ने दो विदेशी श्रृंखलाओं में विजय हासिल की थी, बतौर कोच उन्होंने स्पिन गेंदबाजी की तिकड़ी को खिलाने का फॉर्म्यूला फिर से अपनाया, और उनके पूरे कार्यकाल में हमारी टीम भारतीय सरजमीन पर किसी भी जंग में नहीं हारी. इट इज अजीत हु स्टार्टेड दैट अगेंस्ट फॉरेनर वी मस्ट प्रिपेयर टर्निंग विकेट्स, एंड ही स्टार्टेड टेलिंग क्यूरेटर्स इन एडवांस, ही यूज्ड टू सेंड मैसेजेस. तो मेरे को भी टेस्ट मैच के पहले मैसेज आ गया, अजीत का फोन आ गया कि सुधीर अपने को टर्निंग विकेट चाहिए. बस अजीत वाडेकर 1992 से 1996 तक भारत के कोच रहे. इस दौरान टेस्ट मैचेस के अलावा एक दिवसीय टूर्नामेंट्स में भी हमारा प्रदर्शन शानदार रहा. 1993 में हमने भारत में आयोजित फाइव नेशन हीरो कप जीता, 1994 में भारत में खेली गई विल्स वर्ल्ड सीरीज और श्रीलंका में हुई सिंगल वर्ल्ड सीरीज पर भी हक जमाया. 1996 के वर्ल्ड कप में अजीत वाडेकर का निजी बैट इस्तेमाल करते हुए सचिन तेंदुलकर ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए. 1996 वर्ल्ड कप, एवरी क्रिकेटर हैड एन एंडोर्समेंट. तेंदुलकर वाज द ओनली क्रिकेटर जिसके बैट में कोई एंडोर्समेंट नहीं था, डिस्पाइट बीइंग भारत का बेस्ट क्रिकेटर. मेरे बल्ला उसने देखा, मेरे बैट देखे उसने, जिससे मैं प्रैक्टिस देता था, उससे स्ट्रोक बहुत अच्छा, जो वेन्स करते थे वो बहुत बढ़िया थे. कोई डिफरेंस हो गया वो जो स्पॉन्सरशिप में, वो स्टिकर लगाने के में, तो विदाउट स्टिकर उसको खेलना था. और फिर सचिन ने कहा, सर अभी तो तेरे को बैट देना ही पड़ेगा, तेरी बैट को स्टिकर नहीं है तेरे बैट से. तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो सो करना, तेरे को सो करना पड़ेगा, जरूर क्यों दे, और सो बनाए उसने मेरे बैट से. इस बीच संदीप पाटिल इंडिया ए टीम के कोच थे, और फिर उन्होंने अजीत वाडेकर की जगह ली. उनका कार्यकाल केवल एक विदेशी दौरे तक ही सीमित रहा. संदीप पाटिल के बाद मदन लाल भी भारत के कोच बने. उनके कार्यकाल के दौरान भारत को कुछ अच्छी सफलताएं हासिल हुई. हमने 1996 में टाइटन कप भी जीता, फिर साउथ अफ्रीका को टेस्ट श्रृंखला में शिकस्त दी, लेकिन जीत के कई अवसर हाथ से भी निकल गए, कई ऐसे जिन पर मदन लाल का कोई नियंत्रण नहीं था. मदन लाल खुद ये मानते हैं कि जब वो भारत के कोच थे तो उन्हें उनकी भूमिका की पूरी समझ नहीं थी. क्या उन्हें सिर्फ मेंटर और एडवाइजर बन के रहना चाहिए, या फिर वो टीम के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते थे?
उस वक्त टीम में हर खिलाड़ी का अपना एक निजी कोच था, तो फिर नेशनल कोच की भूमिका क्या होनी चाहिए? Maybe, you know, sometime I might have made mistakes. मैं तो कहता हूँ, मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि यार गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे. तो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा मेरे को लगता था कि जो मैंने फील किया बाद में बाहर निकल, थोड़ा तरीका गलत था. मैं मैनेज नहीं, मैनेज थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बेटर करना चाहिए था. अच्छा तो कर रहा था, बट समटाइम आई वॉज स्ट्रॉन्ग विच इज़ नॉट राइट, वॉज नॉट राइट. दैट आई हैव लर्नड, यू नो, आफ्टर दैट. अजीत वाडेकर और बिशन बेदी दोनों भारत के कप्तान रह चुके थे. संदीप पाटिल और मदनलाल दोनों विजयी वर्ल्ड कप टीम के हीरो थे. हमारे अगले कोच के पास शायद बताने लायक सबसे कम उपलब्धियां थीं, अंशुमन गायकवाड़. When I became the coach, my problem initially कि मैं 40 टेस्ट मैच खेलाऊं. मेरी टीम में जो थे द्रविड़, अजहर, बाकी कुंबले, श्रीनाथ, प्रसाद, ये कोई 50 खेला है, कोई 60 खेला है टेस्ट मैचेस. अब ये लोग को मुझे कुछ भी कहना हो तो स्कूल बच्चों की तरह तो नहीं कह सकते कि बैठो इधर, सुनो मैं बोलता हूँ, ये करो वो करो, कभी नहीं होगा. सो आई हैड टू टेक देम इन टू कॉन्फिडेंस. मैं जैसा कहता हूँ, ये मैन मैनेजमेंट है. आप उनको बताओ कि जो आपको पता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से. कहते हैं कि भाई ये ट्राई करो आप, मेरे को लगता है ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसा ट्राई करके तो आपको ठीक लगा तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी, यू कंटिन्यू विथ योर. ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे लाइन पे आए. गायकवाड़ के टेन्योर का सबसे सुनहरा पल 1998 के दौरान शारजा में खेले गए ट्राई नेशन टूर्नामेंट में देखने को मिला. भारत टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर था, अगले मैच में करो या मरो वाली हालत थी, और सामने थी ऑस्ट्रेलिया जिनका स्तर उस समय बाकी सब टीमों से बहुत ही ऊंचा था. सचिन एक कल लंबा इनिंग खेल तू, मैं करता हूँ कल, सो करता हूँ कल, मतलब देखना फिर. नहीं नहीं अंशु भाई, आई गेट 100 टुमारो. और उसने मेरे हाथ पे ऐसा हाथ पकड़ा तो पसीना, हाथ में पसीना छूट रहा है उसके. मैं बोला क्या कर रहा है तू, क्या हुआ तेरे को? मैं बोला डोंट टेक प्रेशर है. मैं बोला नहीं हुआ 100 तो नहीं चलेगा, पर तू रहे वहाँ पे. नहीं नहीं अंशु भाई, दिस अ गुड साइन फॉर मी. कैस्प्रोज मेरे को पूछता है, कोच से हाउ डू यू गेट दिस मैन आउट? मैं बोला तुम आउट नहीं कर सकते उसको, आउट होना तभी आउट होगा, वैसे तुम आउट नहीं कर सकते उसको, डोंट ट्राई ऑल्सो. ऐसे He said, the sun shines from his backside also. He said, I said, yeah, it is. It is so. हमारे अगले नेशनल कोच थे भारतीय क्रिकेट इतिहास के शायद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, लेकिन सबसे कम सफल रहने वाले कोच कपिल देव. उसी दौरान मैच फिक्सिंग का विवाद भी उठ खड़ा हुआ और हमारी टीम बहुत ही बुरे वक्त से गुजरी. इसके बाद विदेश में अपने रिकॉर्ड को सुधारने की उम्मीद से हमने विदेशी कोच नियुक्त करने शुरू किए. पहले आए जॉन राइट, फिर ग्रेग चैपल, गैरी कर्स्टन और डंकन फ्लेचर. और अब मानो भारतीय क्रिकेट ने एक चक्र पूरा किया है. अपने खेल के दिनों में तीव्रता और कुशग्रता के लिए पहचाने जाने वाले रवि शास्त्री आज भारतीय क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, और राहुल द्रविड़ जो फिलहाल इंडिया ए और इंडिया अंडर 19 टीम के कोच हैं, उन्हें शायद नेशनल कोच के पद के लिए तैयार किया जा रहा है. कई क्रिकेटर्स अपने सुनहरे दिनों के मेमेंटोज इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस शौक को एक नए स्तर तक ले गए हैं. हमारे अतीत में कई बार हमारे भविष्य का रहस्य छुपा होता है. म्यूजियम में अतीत की निशानियां संरक्षित रखी जाती हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सबक या आनंद पा सकें. क्रिकेट खेलने वाले कई देशों में क्रिकेट म्यूजियम्स मौजूद हैं और इनका संचालन क्रिकेट बोर्ड्स के तहत ही किया जाता है. भारत में कई लोगों ने
निजी तौर पर हमारे क्रिकेट इतिहास से जुड़ी चीजें इकट्ठा करके रखी हैं। पीआर मानसिंह हैदराबाद के निवासी हैं। उनके घर में भारत का सबसे बेहतरीन क्रिकेट म्यूजियम है और उनका ये शौक क्रिकेट से जुड़ी किताबें पढ़ने की वजह से ही शुरू हुआ। मेरी बहुत ही फेवरेट बुक है ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ ऑल बाय जैक फिंगल्टन। आप पढ़ो तो ऐसा लगता है कि भाई आप ग्राउंड पे बैठे हुए और मैच देख रहे हो, कभी ये लगता नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हो। इसका वीडियो भी है, सीडी भी है, लेकिन वो देखने में उतना मजा नहीं आता जिस तरह से फिंगल्टन ने एक एक चीज को डिस्क्राइब किया है। मोस्ट ऑफ देम आई हैव परचेस्ड, ए फ्यू कम इन एक्सचेंज, यू नो आई हैव गॉट पेन फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर मान लो किसी को ऑटोग्राफ्स का शौक है तो मेरे पास अगर ऑटोग्राफ शीट्स हों या कुछ हों तो वो मैं उनको भेजता हूँ तो मुझे किताबें भेजते हैं। वीडियोज़ का भी वही हाल है, टाइस का भी है। मानसिंह ने हैदराबाद के लिए केवल एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला, लेकिन वो आजीवन क्रिकेट के दीवाने और सेवक रहे। वो क्रिकेट प्रशासन से जुड़े और भारतीय क्रिकेट में एक नया करियर शुरू किया। उन्होंने हैदराबाद ब्लूज नाम की एक टीम भी बनाई जिसे वो दुनिया के कोने कोने में लेकर गए। मनीला से मोम्बासा तक फैंस को टाइगर पटौड़ी, एमएल जयसिम्हा, गुंडप्पा विश्वनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, सैयद किरमानी और चेतन शर्मा जैसे सितारों को हैदराबाद ब्लूज की टीम की ओर से खेलते हुए देखने का मौका मिला। मेरा ट्रैवल बढ़ने लगा बोथ एज ए प्लेयर एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर मेरे को ये लगता था कि भाई एनीथिंग कनेक्टेड विद क्रिकेट उसको ले लो। ये एक सचिन की रेयर फोटोग्राफ विदाउट एनी हेड गियर आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसने आके ये म्यूजियम इनॉग्रेट किया था तो गैरी सोबर्स ने साइन करते होकर जो लिखा वो भी पढ़ के उसने वहाँ पे रिपीट किया। पीआर मानसिंह की पुस्तकों और अन्य यादगार वस्तुओं का भंडार उनके घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर है और वो क्रिकेट फैंस को निशुल्क इस म्यूजियम को देखने का मौका देते हैं। मानसिंह को कई बार भारतीय टीम का मैनेजर बनाया गया। 1983 के वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा बनना उनके करियर की सबसे सुनहरी उपलब्धि थी। एमसीसी का बहुत बड़ा म्यूजियम, उस म्यूजियम में ओरिजिनल प्रूडेंशियल कप रखा हुआ है। तो जो गाइड है वो खास बोलता है कि इंडियन टीम गॉट ड्रंक and left the cup in the dressing room and we picked it up later. Then I wrote a nasty letter to MCC. You are misleading people, you are misrepresenting, these are the facts. To uske baad unka reply aaya, sorry, I beg your pardon. Ye hai replica of prudential boy. Agar aap koi poocho ki price position, I would say that. ४६ में मरीन स्पोर्ट्स नाम की एक दुकान बंबई में खुली और अगले 70 सालों में खेलों से जुड़ी किताबें, मैगजीन्स और ईयरबुक्स वगैरह पाने के लिए सबसे अव्वल साधन बन गई। गुजरे दौर में यह दुकान कई भारतीय खिलाड़ियों के मन बहलाव का मुख्य स्थान भी थी।
मेरा जो पिताजी थे वो वोरेशियस रीडर था, तो वो हमेशा पढ़ता था. वो टाइम पे उसके पास व्हेन ही वाज अ स्कूल बॉय आल्सो ही यूज्ड टू एक्चुअली रीड. इवन इफ ही बाइज अ भेलपुरी ही यूज्ड टू रीड व्हाट इज व्हाट द पेपर दैट कम्स अलोंग विद इट. He started importing the books. O time pe koi local books published nahi tha, wo sab imported tha. He started doing his business from our home. The first customer that were in those days when we were operating at home, Vijay Merchant the. Vijay Merchant ne Bombay mein Kanga Library ki sthapna ki. भूतपूर्व खिलाड़ी और बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे एच डी कांगा की पुस्तकों से ये लाइब्रेरी शुरू हुई और मरीन स्पोर्ट्स से किताबें पाकर ये संग्रहालय बढ़ता ही चला गया. इंटरनेट के दौर से पहले क्रिकेटर्स मरीन स्पोर्ट्स में घंटों बैठकर किताबें और मैगजीन्स पढ़ते थे, खेल के बारे में नई नई बातें सीखते थे और विरोधी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे. सुनील गावस्कर आते थे क्योंकि वो सब क्रिकेटर लाते थे वो साथ में, और उसको देखो ये है बुक्स, ये बुक्स है, क्या क्या नया आया हुआ. तो एंड दूसरी एक बात है, सुनील गावस्कर वेदर ही बाइज द बुक फ्रॉम योर, ही वॉज वेल वर्स विद द बुक, ही न्यू एवरीथिंग इन द बुक. कमिंग टू सचिन तेंदुलकर, आई मस्ट टेल यू, ही एंड कामली यूज टू कम टू अस इन द यूथ. They came when soon as school cricket was over and the record was in Wisden's. Sachin never used to enter because he was not fond of reading or anything. But Vinod Kambli used to, he was a little daring guy and he used to come inside and see what was there. हमारे क्रिकेट सितारों से लेकर आम प्रशंसकों तक और उन सभी को जिन्होंने किसी न किसी तरह से खेल के प्रति योगदान दिया है, इन तमाम लोगों को क्रिकेट का दीवानापन ही है जो एक धागे में पिरोता है. और अब इस क्रिकेट के दीवाने को आज्ञा दीजिए, मिलते हैं मिडविकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में. Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.